नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ अपील फॉर टुडे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक I want to discuss with you something for 1 or 2 minutes. See, recently an exam has been declared by the Delhi High Court for the HJS of Delhi. Delhi HJS exam has been declared now. Exam is on 2nd February. And the good thing for you is that now the age limitation has been done away. Earlier there was a age limitation of minimum 35 years. There were two conditions for the eligibility. Minimum 35 years age and 7 years experience. Now the only one requirement is the 7 years experience. It means if you qualify, if you pass out, if you are pass out at 22 and you have a 7 years experience at the age of 29, so it means you can appear in at the age of 27, 29 or 30 years even in the HJS. So this is the good news for you कि आप बहुत जल्दी HJS के लिए apply हो सकते हैं, एक तो बात ये होगी। लेकिन secondly, important thing is with they have changed the syllabus of HJS drastically and they have added at least 15 to 16 new bare acts in the syllabus. In the syllabus they have added about 15 to 16 new bare acts which are very important for practical point of view. Though the advocates who are in the practice, they must be dealing with those acts. Now how to deal with such kind of situations? That is important, that is I am discussing this time. समझने की कोशिश कीजिए इसको। You must have realized this कि whenever I teach you, मैं हमेशा यही नहीं करता कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए। I always try to make you understand that how you should study the Bare Act. Bare Act को पढ़ना कैसे आना चाहिए, है कि नहीं है? कार, मेरे यहाँ पर वो ट्रेनिंग नहीं है। अगर ये कार ड्राइविंग का स्कूल होता कि बट कार ड्राइव करना सिखाना है कि खास कार को ड्राइव करके सिखाना है कि ठीक है आपको क्रेटा समझनी है तो क्रेटा कैसे चलानी है या मर्सिडीज कैसे चलानी है। बात है कि जनरल पढ़ाई कैसे करनी है, कार चलानी ही कैसे हम लोगों ने। अगर कार चलानी आ गई तो फिर अचानक अगर आपको दूसरी गाड़ी मिल गई, आपकी प्रैक्टिस मान लीजिए भले BMW पर है लेकिन आपके पास अगर मर्सिडीज आ गई तो अगर आपको पता है कार चलानी आती है, एक आध किलोमीटर चलाने के बाद उस पर आपके हाथ जम जाएंगे दोबारा। ऐसे ही अगर आपको लॉ पढ़ने का तरीका आ गया तो ये जो बेचैनी न्यू एक्ट्स के आने पर होती है, न्यू सिलेबस चेंज होने पर होती है, वो आपको नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है अगर एक्ट आ भी गया तो 3-4 घंटे में बेर एक्ट के कितने सेक्शन होंगे, 10, 20, 50 सेक्शन होंगे, वो पढ़ डालेंगे। अगर आपको वो अप्रोच पता है कि पढ़ते जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे समझना है उसको, वो तो मेरी क्लासेस में आप प्लीज़ जैसे अपील का टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग,
उसमें अपील को तो समझना हम लोगों ने, आप लोग ये समझने की कोशिश भी कीजिए कि कैसे वर्ड्स को पिक करते हैं, कैसे वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और कैसे सेक्शंस को ब्रेक करके बेरेट को पढ़ा जाता है। अगर आपको उसमें कमांड हो गई तो आप आपके लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा हो जाए कि सिलेबस चेंज हो गया। सपोज कीजिए सिलेबस चेंज हो गया, कुछ लोगों ने वो आर्ट नहीं सीखी है कि भाई न्यू सिलेबस से आपको एकोमोडेट कैसे करना है इन शॉर्टेस्ट टाइम, लेकिन आपको वो आर्ट आती है तो आप ऑटोमेटिकली 25-30% लोगों से लीड ऑटोमेटिकली ले गए। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये कंपटीशन है, आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है, आपको दूसरों से बेहतर आना जरूरी है कि नहीं है। कंपटीशन में हमेशा ये तो होता है, आपको पूरा एक एब्सोल्यूट आने की जरूरत नहीं है, मेरी शर्ट आपसे ज़्यादा सफ़ेद हो बस, इतनी रिक्वायरमेंट है, कंपेरेटिव एडवांटेज मिलनी चाहिए मुझे। तो अगर आपको बेसिकली लॉ पढ़ना आता है, उसके मीनिंग्स को ड्राइव करना आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं अदर एक्ट्स में, उसी नॉलेज को अगर हम न्यू एक्ट से अप्लाई करें तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, अगर आपने वो आर्ट सीख ली, फिर आपका कितना भी सिलेबस चेंज जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ इन क्लासेस में आप दोनों बात पर फोकस कीजिए कि एक तो ये टॉपिक तो समझना है कि इस टॉपिक में क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, इन जनरल बेयर एक्ट्स को या किसी भी कॉन्सेप्ट को कितने गहराई से कैसे समझना चाहिए, उस आर्ट को भी आप लोगों ने डेवलप करना है। तो कर लेंगे आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, प्लीज़ रेज हैंड अगर मेरा मैसेज चला गया आप तक। तो ये तो दोनों ही बातों को सीखना है हम लोगों ने। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ अपील। वेरी वेरी प्लीज राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। तीनों एग्जाम के स्टेज में, एग्जाम की तीनों ही स्टेज के लिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड टू द हाइएस्ट डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चंस यू विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द बेयर एक्ट, बट ऑल्सो यू विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स, माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स वेयर यू कैन फील यू आर कन्फ्यूज समटाइम्स, है ना। सो इट इज़ माई ड्यूटी टू शो यू ऑल द क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उतना कर जाइए बस जितना मैं करा रहा हूँ, इतना कर जाइए, उससे बाहर आपको अगर आता भी है तो नमस्ते करके आगे निकल जाइए खुशी खुशी, कि वो किसी को भी नहीं आता होगा फिर वो। जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लीजिए बस, उसके बाद में आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बट आई डाउट कि उतना होगा या नहीं होगा, बस उसी को आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत है, नोट्स मैंने बना के दिया है आप लोगों को, अंडरलाइन मैंने करके दिया है, बोल्ड मैंने करके दिया है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। रिविज़न के लिए सारे रिश्ता तैयार होंगे होंगे आप लोग, सब भाई बंधु को कह रखा होगा कि रिविज़न कौन कौन करेगा, अपील का तुम करोगे, एग्जीक्यूशन का ये करेंगे, सेक्शन 1-10 वो करेगा, ऐसा तो नहीं कर रखा, डेली एक दो घंटा पढ़िए अपने घर पर, है ना। चलिए आइए फटाफट इसमें अपील के मीनिंग पर। ठीक, पहला ही क्वेश्चन सी दिख, द एक्सप्रेशन अपील हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड एंड यू कैन सी द प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस इटसेल्फ वेयर द अपील इज डिफाइंड, सेक्शन 2-2, 2-1, 2-3, 2-4, 2-6, डोंट गेट कन्फ्यूज दिस टर्म अपील हैज नॉट बीन डिफाइंड, डिक्री हैज बीन डिफाइंड है कि नहीं है, प्लेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड, लाइक वाइज अपील हैज नॉट बीन डिफाइंड, द टर्म अपील हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोर्ट, कर लेंगे आप लोग, बट ये है क्या इसका मीनिंग, वॉट इट इज एक्चुअली है क्या है, ध्यान करने की कोशिश करना इस पर। ठीक है, सो इट इज नॉट डिफाइंड एनी वेयर, तो लेट्स अंडरस्टैंड है क्या अपील है क्या। सी, अपील इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट, दिस इज अ डेफिनेशन, डिक्शनरी मीनिंग में डेफिनेशन दी गई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन योर एग्जाम, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन योर एग्जाम यू कैन सी द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स रिगार्डिंग द अपील, हाउ यू कैन राइट द क्वेश्चन एज वेल, आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, नंबर वन, अपील हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सीपीसी, स्टेटमेंट नंबर टू, अपील इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन by higher court of the decision of an inferior court, got it or not, then option A and B are correct, either A or B are correct, all of the above are correct, like this you have seen the questions, hai ki nahi, to in sabhi lines se questions bante hain aapke, appeal ka matlab kya hai, see this, yahan pe kya likha hai, this is inferior court, lower court has given a decision, lower court ne ek decision diya, aise maan lijiye आपके फैमिली में आपके पापा ने कुछ डिसाइड किया
कि आपको शिमला जाना है नहीं जाना है 7 डेज के लिए. आपके पापा ने कहा कि नो यू विल नॉट गो टू दी शिमला. देन यू अप्रोच द हायर कोर्ट टू योर मॉम कि वेदर द डिसीजन ऑफ योर फादर इज करेक्ट और नॉट. ओके और नॉट गॉट इट और नॉट. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिसीजन ऑफ इंफीरियर कोर्ट टू द हायर कोर्ट गेटिंग इट एग्जामिन्ड बाय द हायर कोर्ट इज कॉल्ड अपील. तो दिस इज वॉट जुडिशियल एग्जामिनेशन. जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ वॉट ऑफ द डिसीजन. डिसीजन ऑफ वॉट डिसीजन ऑफ इंफीरियर कोर्ट. जुडिशियल एग्जामिनेशन बाय होम बाय द हायर कोर्ट. ठीक है तो दिस इज इन सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने अपील का मतलब क्या है. तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को समझ में आएगा. क्लोज टू हार्ट है. हर घर में एक लोअर कोर्ट है, हर घर में एक हाई कोर्ट है कि नहीं है. सुप्रीम कोर्ट भी होगी, इनके दादाजी होंगे घर में. तो वही सब है. एक डिसीजन को अगली अथॉरिटी से री एग्जामिन कराना कि ये प्रोसेस सही है या नहीं है. कर लेंगे आप लोग ये नहीं. तो दिस इज वॉट अपील. एंड देर आर डिफरेंट केसेस इन दिस स्टार. नगेंद्र नाथ वर्सेज सुरेश चंद्रा केस. केस ऑफ नगेंद्र नाथ वर्सेज सुरेश चंद्रा डिसाइडेड बाय द प्रीवी काउंसिल एंड डॉक्टर दिनशा मुला. सर दिनशा मुला. डो प्लीज हाईलाइट दिस इन योर नोट्स. यू कैन बी आस्ड कि हु सेड दिस. दिस लाइन इज फेवरेट लाइन फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जाम. एग्जाम में इस लाइन को पूछा जाता है. इन विच केस इट वॉज हेल्ड. हु गेव दिस स्टेटमेंट. वॉट इज द स्टेटमेंट. दिस इज एनी एप्लीकेशन बाय अ पार्टी टू एन अपीलेट कोर्ट. दे डिफाइंड द अपील इन देयर ओन वर्ड्स. हु डिफाइंड. मिस्टर दिस दिनशा मुला. सर दिनशा मुला डिफाइंड इन दिस वर्ड इन दीज वर्ड्स. एनी एप्लीकेशन बाय अ पार्टी टू एन अपीलेट कोर्ट. यू आर टेकिंग द एप्लीकेशन टू द अपीलेट कोर्ट एंड सेइंग व्हाट. आस्किंग टू सेट असाइड और रिवर्स द डिसीजन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट. कि प्लीज रिवर्स द डिसीजन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट. जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, यू हैव कंप्लेंट अगेंस्ट दैट एंड यू आर टेकिंग अपील. यू आर टेकिंग एन एप्लीकेशन टू द हायर कोर्ट सेइंग व्हाट. काइंडली सेट असाइड दिस डिसीजन. काइंडली रिवर्स दिस or you modified at least. So this process is called is an appeal within the ordinary acceptance of the term. So now this definition, this language can be given in your exam and you may be asked who said this, who defined appeal in these words, in which case like this. So don't forget the case Nagendra Nath versus Suresh Chandra, Sir Dinsa Mula. Kar lenge aap log. Also now see in different words. It is a remedy provided by law for getting the decree of lower court set aside. Same thing in different words. कर लेंगे आप लोग. समझ में आ गया. बस कल पढ़वा रहे हैं आपको एक बार अभी. It is again. This has been asked. In other words, it is a complaint made to the higher court. आरुषि मैडम ने पापा मम्मी से कहा, मम्मी देखो पापा मुझे भेजने नहीं दे रहे, समझाओ इन्हें. So now Arushi is making a complaint to the higher court of her house. Got it or not? So this is, you can say appeal may be an, you can define it in the terms of application. You can define it in the term of complaint as well. Complaint made to the higher court. Yeah, mere high court nahi kiya hai, dhyan rakhna. Complaint made to higher court hai. It may be from civil judge junior division to ADJ court. Got it or not? Appeal is not ki bhi, हर बार अपील हाई कोर्ट को यू कैसे नहीं है. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. दिस इज हायर कोर्ट नॉट हाई कोर्ट. एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ राइट, इट इज ए राइट ऑफ एंटरिंग ए सुपीरियर कोर्ट. इट इज राइट ऑफ एंटरिंग ए सुपीरियर कोर्ट टू रेड्रेस एन एरर ऑफ द कोर्ट बिलो. अगेन इफ अपील कैन बी डिफाइंड इन सच वर्ड लाइक दिस कि इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट. अगर मैं लोअर कोर्ट के डिसीजन संतुष्ट नहीं हूं, देन अपील इज माय राइट टू अप्रोच सुपीरियर कोर्ट और हायर कोर्ट. तो दीज आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सेंटेंसेस इन विच द टर्म अपील हैज बीन डिफाइंड. एंड यू शुड बी कॉन्शियस फॉर दिस बिकॉज प्लिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. और कैसे पूछा जा सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय द अपील इन मेंस. मेंस में आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर लिया
दैट इन स्टेट्स लाइक दिस उत्तराखंड यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ बिहार इन स्टेट्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय द अपील है ना डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट अपील और सेकंड अपील व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अपील एंड द सेकंड अपील देन यू विल हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ अपील एज वेल तो व्हेन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अपील एटलीस्ट यू राइट द मीनिंग बात वही है लेकिन डिफरेंट फ्रेजेस को यूज करते हुए अगर आप समझाएंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको 1 or 2 मार्क्स कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे आपको तो 3-4 जो डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा कर लेंगे आप लोग नहीं कर लेंगे नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एसेंशियल्स ऑफ एवरी अपील कि व्हाट इज द एसेंशियली कि अपील का पार्ट कौन कौन से हैं नंबर वन पार्ट इज व्हाट ए डिसीजन ठीक है ए डिसीजन यूजुअली ए जजमेंट ऑफ द कोर्ट से अगर हम अपील में जा रहे हैं आप तो बेसिकली अपील में क्या कहेंगे आप कि देख उसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं या लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं अपील में कहते हैं इम्प्यून ऑर्डर क्या बोलते हैं इम्प्यून ऑर्डर मींस द ऑर्डर और द जजमेंट डिक्री अगेंस्ट विच यू आर कंप्लेनिंग टू द हायर कोर्ट इट इज कॉल्ड इम्प्यून ऑर्डर तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर फाइलिंग एन अपील देयर मस्ट बी अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट है ना पहला पार्ट ये हुआ then there must be some person aggrieved who will go to the court and third is what there must be a reviewing body means higher court so these are the three essentials three basic components of the appeal and again you can see the questions in clips out of following which are the components or which are the essential elements of an appeal see these questions are beyond your BEREC language ye BEREC mein nahi milenge aapko ये इन नोट्स से मिलेंगे आप लोगों को तो दीज आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स डिसीजन एग्रीड पर्सन और रिव्यूइंग बॉडी और द हायर कोर्ट कर लेंगे आप लोग तो ये हुए आपके सम क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ द अपील है ना एंड द एसेंशियल्स प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई आपको बहुत छोटी बातें थी लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की बातें आपके लिए है ना दिस क्लास इज मेनली एंड मेनली फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कि एग्जाम में कौन सी लाइन पे काम आएगी कौन काम नहीं आएगी जो भी नोट्स बनाता हूँ जो भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को मैं मेरा एक ही क्राइटेरिया है ये लाइन हमारे एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी बस काम की नहीं है तो भगाओ उसको नहीं तो फिर कुछ भी हो चाहे बोरिंग हो इंटरेस्टिंग हो इट शुड बी बिफोर अस ठीक है दोस्तों लाइक आपने कर दिया कमेंट आपने लिख दिया सब्सक्राइब कर दिया वो सारी बातें आपने कर दी आई नो आई ट्रस्ट यू लेकिन बात ध्यान रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे इस टिप के साथ प्लीज़ गो टू नेक्स्ट वीडियो थैंक यू